सावन महीने में भगवान शिव को अर्पित करें ये 11 चीजें, सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति, बनेंगे बिगड़े काम। भगवान शिव को जल चढ़ाएं। सावन महीने में शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा आप शिव मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माना जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कई गंभीर बीमारियां, काम में रुकावट और संकट दूर हो जाते हैं। बेलपत्र से पूजा करने से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही बेल वृक्ष के नीचे पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। घर में सुख शांति के लिए भगवान शिव को अर्पित करें धतूरा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर धतूरा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में कोई भी ऊपरी हवा प्रवेश नहीं करती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। धतूरे का पौधा या फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न होते हैं। भस्म का तिलक लगाएं, समाज में बढ़ेगा मान सम्मान। शिवजी को चढ़ाई गई भस्म का तिलक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है जो इंसान भस्म का तिलक लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समाज में मान सम्मान मिलता है। शिवलिंग पर चंदन लगाएं, मिलेगी सुख समृद्धि। भोलेनाथ को चंदन बेहद ही प्रिय है। इसकी खुशबू भोलेनाथ को मनमोहक करती है। शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाकर पूजा करें, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव को चढ़ाएं आग का फूल। भगवान शिव को आग का फूल चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस किसी के घर के आसपास ये पौधा होता है उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है, हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से भोलेनाथ होंगे प्रसन्न। माना जाता है भांग ने शिवजी की व्याकुलता दूर की थी। शिवजी को भांग बेहद ही पसंद है। शिवरात्रि हो या होली, लोग भांग के मजे लेते हैं। इसी प्रकार शिवजी पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप और बुराइयां दूर होती हैं। रुद्राक्ष में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की होती है शक्ति। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के आंसू से पैदा हुए रुद्राक्ष में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति होती है। इसे न सिर्फ भगवान शिव को अर्पित किया जाता है बल्कि इसे धारण भी किया जाता है। इसे धारण करने से जीवन की तमाम परेशानियां, समस्या और पापों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक जरूर करें। माना जाता है सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक करने पर कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने का विशेष महत्व। पूजा में अक्षत चढ़ाने का ये महत्व होता है कि हमारी पूजा भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। शिवलिंग पर अक्षत या कच्चे चावल चढ़ाने से बुरे दिन समाप्त होकर धन की वर्षा होती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। शिव पूजा के बाद जरूर करें ये उपाय। अगर 2 कपूर और 1 लौंग को जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खाई जाए तो भक्तों के ऊपर आने वाली समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं, शत्रु का नाश हो जाता है और धन के आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को पवित्र और शुद्ध बनाती है। भोलेनाथ को इस महक से प्यार है और शिव पूजन में कपूर अनिवार्य है। वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।